दोस्तों, क्या आपको पता है बॉल टैम्परिंग क्या होता है, बॉल टैम्परिंग क्यों किया जाता है? आज बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट बॉल टैम्परिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। आपने आपकी यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट क्रिकेटर्स में आपका स्वागत है। तो पहले आपको ये बता दूं कि क्रिकेट में तीन स्विंग होते हैं, इन स्विंग, आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग। स्विंग करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। जब सारे फैक्टर्स साथ में करते हो तभी स्विंग होता है। और जिन लोग को इस रिवर्स स्विंग का मतलब नहीं मालूम, उन्हें बता दूं कि रिवर्स स्विंग तभी होता है जब बॉल पुरानी हो जाए। आप न्यू बॉल पर रिवर्स नहीं कर सकते। तो बॉल पुरानी होने के बाद क्रिकेटर्स एक साइड को शाइन करते हैं और बॉल रिवर्स होना शुरू होती है। ऐसे में बैट्समैन कैलकुलेट नहीं कर पाता और अपनी विकेट खो देता है। सो स्विंग में बॉल टैम्परिंग का क्या रोल होता है? तो जैसे मैंने बताया, रिवर्स पुराने बॉल पे ही होता है। तो टैम्परिंग बॉल को पुराने करने में मदद करती है। हमने देखा है ये प्लेयर्स को करते हुए। अभी रिसेंटली कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने बॉल टैम्परिंग किया था। बॉल टैम्परिंग और भी तरह से किया जा सकता है, जैसे सीम को शार्प ऑब्जेक्ट से कट करना, कुछ सब्सटेंस बॉल पर लगाना या फिर किसी रफ सरफेस से घिसना। आइए जानते हैं किन किन प्लेयर्स पे ये बॉल टैम्परिंग का एलिगेशन लगाया था। फर्स्ट, सचिन तेंदुलकर पे भी ये एलिगेशन लगाया था, जो बिल्कुल भी सच नहीं था। सचिन ने अपने ऑटोबायोग्राफी बुक में भी यही लिखा है, आई एम वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स माई गेम ऑफ क्रिकेट, आई वोंट डू एनीथिंग विच डिसरिस्पेक्ट माई गेम। वो सिर्फ सीम को हाथ से क्लीन कर रहे थे। उस सीरीज के मैच रेफरी ने उन पे बॉल टेम्परिंग का एलिगेशन लगाया था। सेकेंड, शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी पे भी ये एलिगेशन लगाया था, क्योंकि ये मैच के बीच में ही सबके सामने उन्होंने बॉल को बाइट किया था, तभी उन्हें 2 मैच का बैन लगा था। थर्ड एंड फोर्थ, राहुल द्रविड़ एंड विराट कोहली, दोनों पे ये फॉल्स एलिगेशन लगाया था। एज पर रिकॉर्ड उन्होंने च्युइंगम का कुछ सब्सटेंस बॉल पे लगाया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ बॉल को शाइन कर रहे थे। नंबर फिफ्थ, हमारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बारे में सबको पता है, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में एक ही मैच में ये बॉल टैम्परिंग का एलिगेशन लगाया था। दोस्तों, और एक बोनस टिप आपको बता देता हूँ। जब सचिन पे बॉल टैम्परिंग का चार्ज लगाया था, तभी सेम सीरीज में वीरेंद्र सहवाग, दास, हरभजन सिंह वॉज बैंड फॉर एग्रेसिव अपील एंड लेटर सौरव गांगुली वॉज ऑल्सो बैंड बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज प्लेयर्स बींग द कैप्टन। ये सबसे पता चलता है कि मैच रेफरी वॉज इन फॉल्ट और इंडियन प्लेयर्स को डेनिम करना चाहते थे। हमारे इंडियन प्लेयर्स कभी भी ये डिसऑनेस्ट नहीं रहे। हमारे सारे इंडियन प्लेयर्स ने अपना सारे गेम्स बहुत ऑनेस्टी से खेला है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आए। आई होप मुझे आप प्यार और सपोर्ट करोगे एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल मोर एंड मोर। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। थैंक यू, शब्बा खैर।